यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान किया गया है। $250 मिलियन का मिलिट्री पैकेज का देगा अमेरिका, और नए पैकेज में हाइमर्स जैसे घातक हथियारों को भी रखा जाएगा। जैवलिन और एंटी टैंक मिसाइल भी अमेरिका देगा। और इस बीच खबर यह कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान का युद्धाभ्यास जारी है। तीनों देशों की नेवी ने युद्धाभ्यास किया है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश। युद्धाभ्यास से बौखला गया है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग ने एटमी वॉर की धमकी तक दे डाली है। इस युद्धाभ्यास की तस्वीरों के बाद युद्धाभ्यास से एटमी वॉर का खतरा बढ़ गया है, ये कहा है किम जोंग ने। तीन तस्वीरें और तीन ब्रेकिंग। और देखिए, आपको तीन बड़ी खबरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हालात बहुत खराब है। 1500 लोगों ने छोड़ा है कुपियांस, क्योंकि कुपियांस में के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। नए पैकेज में हाइमर्स जैसे घातक हथियार देने की बात अमेरिका की ओर से कही जा रही है, और साथ ही अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। तो तीनों ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से। सबसे बड़ी बात यह कि कुपियांस्क में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है हमलों की वजह से कि अब लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को मजबूर हो गए। और अमेरिका के युद्धाभ्यास से बौखला गया है किम, और न्यूक्लियर वॉर का सीन बताया जा रहा है। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान के इस युद्धाभ्यास से टेंशन दुनिया में हाई हो गई है। तीनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप पर किया है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास से बौखला किम ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है, और साथ साथ कहा है कि अमेरिका के चलते कोरियाई प्रायद्वीप में सबसे बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। लगातार युद्धाभ्यास करके अमेरिका नॉर्थ कोरिया को हमले के लिए उकसा रहा है, सीधे तौर पर धमकी। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार। संदीप जी, इस धमकी को कैसे देखा जाए, और अमेरिका क्या सचमुच दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के चलते एक तरह से उकसावे की भी कार्रवाई कर रहा है? देखिए, अमेरिका की तो हमेशा ये नीति रही है प्रोवोकेशन की, नई बात नहीं। और ये भी हम बता दें कि ये भी नई बात नहीं है कि जिस तरह से साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका जो अपना सैनिक अभ्यास किया, इसके पहले भी आप ही के चैनल में एक बार हमने डिबेट किया था कि किम जोंग को वो प्रोवोक कर रहे हैं, और ये एक तरह का न्यूक्लियर डिटरेंस है। किम जोंग भी जो कहते हैं कि एटमी खतरा जिसको आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो एटम बम एक्सप्लोड कर दें, बस ये है कि ये डिटरेंस है। यदि यदि इनका ट्रायंगल जो कोरिया प्रायद्वीप पर अमेरिका, वाशिंगटन और जापान और आपका ये साउथ कोरिया का जो जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, तो उस डेमोन्स्ट्रेशन को कम करने के लिए किम जोंग का एक उनकी अपनी छवि है, और उस छवि के मुताबिक उनका एक डिटरेंस है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एटमी वॉर होने वाला है, और इस तरह की चीजें होती रहेंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बैलेंस ऑफ पावर।